बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। 10 जनवरी 2023, 17 जमादुल आखिर या जमादुल सानी, मार्केट 296 पॉजिटिव, बिक्रमी की 26 पो, रावलपिंडी की एक और अबर आलू शाम, कुछ ठंड के नाम, कुछ आपके नाम। आज हम एक स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं। ये स्क्रिप्ट हम करने जा रहे हैं, हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कहा ये स्क्रिप्ट करने को, तो प्लीज़ इनके लिए हम स्पेशल ये महफिल सजा रहे हैं। ये है जी ब्यूटीफुल पाकिस्तान। ये ब्यूटीफुल पाकिस्तान हमारे जो भी भाई हैं, उन्होंने अलगाजी ट्रैक्टर्स के बारे में हमसे पूछा है, तो बहरहाल अब हम अलगाजी ट्रैक्टर के बारे में कोट देने जा रहे हैं और अलगाजी ट्रैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अगर हमारे दोस्त ब्यूटीफुल पाकिस्तान देख रहे हैं, तो अलगाजी ट्रैक्टर्स को हमने अप्रैल 22 को किया था काफी, और उस वक्त इसका शेयर 449 रुपीज एंड 45 पैसे है, और आज इसका शेयर कहां है? आज इसका शेयर 296.67 पे है और 294 पे ओपन हुआ, लो भी 294.01 लगा, वॉल्यूम 2400। मतलब इसमें आप देखिए कि कहां ये 449 था या 450 रुपीज था, अब 296 पे आ गया। मतलब इसके कम से कम 200 रुपए ये शेयर नीचे गिर गया। ये क्यों गिरा? ये मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, इसकी वजूहात हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि इनकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपने पुराने चीफ एक्टर को टर्मिनेट कर दिया। अब क्यों टर्मिनेट किया, क्या वजह थी टर्मिनेशन की, ये तो आप वहां जब इनकी मीटिंग होगी तो आप इनसे पूछेगा। और उसकी जगह मिस्टर जावेद इकबाल जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसको उन्होंने उसकी जगह अपॉइंट किया है। तो ये लेटर जो है ये काफी परेशान कौन है कि दिसंबर में इन्होंने अपने चीफ सीईओ को टर्मिनेट किया, और अलगाजी वालों ने ये लेटर हम आपसे शेयर करें। चले हम इसकी और चीज भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसकी बीटा वैल्यू 0.71 है और एक चीज जो है ये फेस वैल्यू 5 रुपए है, इसके ये काफी ओवरसोल्ड है। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 55.19 है, इंटरप्राइज वैल्यू 281 है, और लास्ट एनुअल डिविडेंड इसने 51 रुपीज दिया है। तो अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि ये आपका जो शेयर है क्या कहते हैं अलगाजी ट्रैक्टर्स, ये अनस्टेबल शेयर है, ये नीचे गिरेगा, मजीद गिरेगा। उसकी वजूहत ये है कि एक तो ट्रैक्टर्स की डिमांड कम हो चुकी है, दूसरे आपकी स्पेयर पार्ट्स की एलसीएन नहीं खुल रही, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सीरियो एडवर्स है। तो ब्रूटल पाकिस्तान, नो यूज गोइंग इनटू दिस शेयर, और आपको ये प्रॉब्लम देंगे। ये शेयर इंशाल्लाह और गिरेगा, जितना भी गिरेगा, क्या बॉटम है, अगर ये मैं बता सकता तो मैं भी फिर बिल गेट्स होता। तो मेरे हिसाब से अगर ये टू इस वक्त जो शेयर आ रहा है आपका 296 है, अगर 225-230 पे आए तो लेना मांगता, और ये भी क्या कहते हैं एक रिस्क है। तो आई वुड नॉट एडवाइज एनी रिकमेंडेशन टू बाय द शेयर। और ये जो शेयर है आपको पता है कि गिरते ही जा रहा है और गिरते ही रहेगा। मेरा फाइनल एनालिसिस है, स्टे अवे फ्रॉम अलगाजी ट्रैक्टर्स, आपको ये प्रॉब्लम देगा। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ब्यूटीफुल पाकिस्तान अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, विजराई होगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। वस्सलात वस्सलाम खातमुन नबी।